नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क का आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निजी टिप्पणियां की, जिस पर नीतीश कुमार अपाक हो बैठे और तेजस्वी पर पूरी तरह भड़क गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार पर तेजस्वी की निजी टिप्पणी के कारण सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। दरअसल तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी चुनावी सभाओं में लालू यादव के 9 बच्चों की बात करते थे, कहते थे बेटी पर भरोसा नहीं था, बेटा के लिए 9 बच्चे हुए। तेजस्वी ने पूछा, क्या नीतीश जी को लड़की पैदा होने का डर था, इसीलिए उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया। तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए नीतीश कुमार ने सदन में बोलते हुए कहा कि हम अब तक चुप थे, यह हमारे बेटे के समान हैं, इनके पिताजी हमारी उम्र के हैं, ये झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो चार्ज शीटेड हैं वो हम पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे खिलाफ हत्या के एक मामले को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन वहां से भी हार का सामना करना पड़ा। भला बताइए, क्या हम यह काम कर सकते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर काम नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय को भी चाहिए कि नियमों का उल्लंघन नहीं हो ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। नीतीश कुमार ने कहा, एक वोट से भी जीत जीत होती है, किसी को कोई परेशानी है तो कोर्ट जाए। आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी के आरोप और मुख्यमंत्री के प्रत्यारोप। राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-09 में कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई, जेएनयू के छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिए। तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे, पीछे है मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में, उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में। और चलो, एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब है लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का, अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है ये चार्जशीट, में उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। ये हम पढ़ के बगैर सुना जाए, बोर्ड मीटिंग में अटेंड करते थे। आप है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को, इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकतंत्र में विधायक दल का नेता ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से आप चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें हैं। बहरहाल, विधानसभा में जदयू और भाजपा के सदस्यों ने तेजस्वी यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच
तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष से संयमित भाषा का इस्तेमाल करने और निजी बातों की बजाय विकास की बातों पर चर्चा करने का आग्रह किया, लेकिन तेजस्वी नहीं माने और लगातार निजी हमला करते रहे। सत्ता पक्ष की ओर से हो रही टोका टोकी से नाराज तेजस्वी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आप ऐसा करेंगे तो हम सदन चलने देंगे क्या? किसी को भी बोलने का मौका नहीं देंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई निजी टिप्पणियों और असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश भी दिया। अब बात जरा लालू प्रसाद यादव की हो जाए। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के 4 मामलों में से एक में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में लालू को 14 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई गई थी और इस समय उनका रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में इलाज चल रहा है। लालू के स्थानीय अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गबन से जुड़े मामले में लालू की जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को आगे की सुनवाई होगी। 11 दिसंबर को गया है और जो हाफ कस्टडी हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसको लोअर कोर्ट के ऑर्डर सीट से वेरीफाई करके तब अगले डेट में बताना है, उसके बाद तब फिर सुनवाई होगी। जवाब दाखिल किया था जी, कहना था कि अभी एक और 7 साल बचा हुआ है उसका, नहीं उस पर नहीं, वो तो डिसाइड हो गया पहले। अदर एक्यूज को भी जो अपेलेंट को जो बेल ग्रांट किया गया था वो 7 साल का ही कैलकुलेट करके हाफ सेंटेंस पर दिया गया, वो 7 साल ही कैलकुलेट होगा। हाँ जो है सीबीआई हाँ वेरिफिकेशन हो जाएगी 11 दिसंबर का, 2 हफ्ता के अंदर हम लोग को आदेश मिला है कि कोर्ट से रिकॉर्ड मंगा के और उसके बाद वेरीफाई करके तब फिर आप इस पर अपना जवाब अथी कीजिए, बहस कीजिएगा। 11-12 को हुई है, 11 दिसंबर को। क्या जी आर्गुमेंट तो हाफ सेंटेंस में ही था तो वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए किया गया है, तो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है कि कौन का एक्यूज कितने दिन कस्टडी में है, उसी में लिखा रहता है, उसी से वेरीफाई करने के लिए बोला गया। इससे पूर्व इस मामले में 24 नवंबर को दाखिल अपने जवाब में सीबीआई ने दावा किया था कि वास्तव में लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से गबन के मामले में अब तक 1 दिन की भी सजा नहीं काटी है, लिहाजा उन्हें इस मामले में अभी जमानत देने का कोई भी पुख्ता आधार नहीं बनता है। जबकि लालू के वकीलों ने दावा किया था कि लालू ने इस मामले में अपनी आधी सजा न्यायिक हिरासत में पूरी कर ली है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका मामले में लालू को विशेष सीबीआई अदालत ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, उन्हें 4 मामलों में से 3 में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव द्वारा रिम्स में इलाज के दौरान प्राप्त सुविधाओं का कथित रूप से दुरुपयोग करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि उन्होंने रिम्स में अपने इलाज के दौरान सुविधाओं का बहुत दुरुपयोग किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की दलील पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इससे पहले अदालत के 6 नवंबर के आदेश पर झारखंड के जेल महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक ने न्यायिक हिरासत के दौरान लालू से मिलने वालों के बारे में स्पष्टीकरण के साथ अपना जवाब पिछले सप्ताह दाखिल कर दिया था। अदालत ने आज इसी पर संज्ञान लिया। अदालत ने सुविधाओं के दुरुपयोग के मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए उससे 4 दिसंबर से पहले अधिवक्ता की नियुक्ति करने को कहा है।